Oh hello YouTube, I'm finally back after like पता नहीं साइड से 20 दिन के बाद, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मेरा लास्ट एपिसोड 2 हफ्ते पहले है और आज के दिन है मार्च 7। भाई कितना टाइम हो गया मैंने इस चैनल में कोई सी भी वीडियो नहीं डाली है। By the way, hello cuties, what's up, क्या चल रहा है, कैसे एग्जाम चल रहे हैं तुम लोग के? मेरे को पता है कॉलेज वालों के एग्जाम चल रहे हैं, स्कूल वालों के भी एग्जाम आने वाले हैं, तो सबको ऑल द बेस्ट। बट आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड Boys, आज के दिन हम थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्कैरी एनिमेशंस। अब आई टेल यू कि आखिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मैंने इयर्स बैक पहले एक स्कैरी एनिमेशन का वीडियो बनाया था, एंड आज के दिन मैं थोड़ी देर पहले जब अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को ये वाला एक हॉरर शॉर्ट फिल्म रिकमेंड हुआ। ये थंबनेल मैंने जैसे ही देखा ना, आई वाज लाइक ओ ब्रो, ये मैंने वीडियो बचपन में देखी है, जब मैं 14-13 साल का था तब मैंने ये वीडियो देखी थी। तो इसके बाद आई डिसाइडेड कि बॉयज आज के दिन हम एक वीडियो बनाएंगे जहां पर हम कुछ स्कैरी एंड क्रीपी एनिमेशंस को देखेंगे जो कि पुराने हैं, यानी यूट्यूब पे जो सबसे गोटेड स्कैरी एनिमेशंस है ना, आज के दिन हम वो देखेंगे। एंड द फर्स्ट एनिमेशन स्टार्ट्स नाउ। तो सबसे पहले एनिमेशन का नाम है पेप्पा पिग हॉरर फिनाले पैरोडी। ओके, सो दिस इज पेप्पा पिग का एक इन रियल लाइफ पैरोडी। जिस जिसने पेप्पा पिग देखा है उसको पता है कि वो इस तरीके के नहीं दिखते हैं। मैंने पेप्पा पिग का ना बचपन में कभी भी कोई सा भी कार्टून नहीं देखा, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया था लाइक 15-16 साल का, तब मैंने फर्स्ट टाइम पेप्पा पिग का कार्टून देखा था। एंड ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड यूएस में। सो इसी से रिलेटेड एक हॉरर शॉर्ट फिल्म है, एंड ये मैंने अभी तक देखी नहीं है। मेरे को देखना इसमें क्या है, क्योंकि इसमें ना 20 मिलियन व्यूज है। आई एम वेरी एक्साइटेड, देखते हैं कि इसमें क्या है। Peppa, I don't want to oh die. My God. भाई ये इन रियल लाइफ में बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही है, इनके आंसू निकल रहे हैं तो ये कितना अजीब लग रहा है। इनका ना कभी मेरे को समझ में नहीं आया कि आखिर नाक इधर क्यों होती है, ठीक है, कितना अजीब सा स्ट्रक्चर होता है। It's too late, George. His presence is already here. We have to do something, Peppa. The parents have already gone, George. ओ माय गॉड, ये एक्चुअली में काफी मुझे वियर्ड वाइब्स दे रहा है, बहुत ही ज्यादा अजीब वाइब्स दे रहा है। तो दिस किड इज सेइंग ही डजंट वांट टू डाई, इसको मरना नहीं है, और इसके साथ में जो है वो बोल रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे आ गया है, अब तुम्हें मरना ही होगा। क्या हो गया Peppa, please, I'm scared. What? The offerings have failed. It's better to burn out than to fade away. What? Oh my freaking God! मैंने जस्ट ये क्या देखा है यार, ये तो एक्चुअली में लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब मैंने ये थंबनेल देखा आई वाज लाइक ओके, ये कुछ तो क्रीपी होने वाला है। एंड ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड की थी, 47 सेकंड्स की, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 47 सेकंड्स में क्या होगा। बट डूड ये काफी ओह माय गॉड बहुत अजीब सी चीज है, ये तो यार रात में मेरे को हॉन्ट करेगी। मुझे पेप्पा पिग जो है इसमें क्यूट लगता है बहुत ज्यादा, इसमें क्यूट बिल्कुल नहीं लग रहा है। रुको 2 सेकंड के लिए ना, मैं मनु को बुलाऊंगा और मनु का रिएक्शन लूंगा कि ये कैसे लग रहे हैं। मनु कम हियर फॉर 1 मिनट, मैं अपनी बहन को 24/7 परेशान करता रहता हूँ कंटेंट के लिए। यू नो पेप्पा पिग, यू नो ना दिस पेप्पा पिग, ओके गेट रेडी डिजिक। ये क्रीपी लग रहा ना, है ना, अभी ये देखियो जब वो रो रहा होता है। पेप्पा आई डोंट वांट टू डाई, इट्स टू लेट जॉर्ज, हिज प्रेजेंस इज ऑलरेडी हियर। We have to do something. Okay, ये वीडियो देखियो। अभी देख आगे देख, पूरी वीडियो देख। I don't want to die. I don't want to die. His warmth is already in your flesh, George. But I feel cold, Peppa. Peppa, please. I'm scared. I don't. The offerings have failed. It's better to burn out than to fade away. कितना अजीब सा वीडियो है ना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मीनिंग क्या है ना। Now it's time for episode, what the fuck is episode 2? Now the time for animation 2.
सो सेकेंड हॉरर एनिमेशन का नाम है अनलकी चार्म्स एंड ये सीजी मीटअप ने बनाई है। ये बिल्कुल नई है, 4 महीने पहले ही अपलोड हुई है, बट इसका ना रेटिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑल्सो दिस थंबनेल लुक्स सो फ्रिकिंग क्रीपी भाई। ऑल्सो हम लोग रेट भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेपा पिक वाले एनिमेशन को मैं 7 out of 10 दूंगा क्योंकि वो मेरे को काफी पसंद आया। लेट्स सी अनलकी चार्म्स कैसा है। ओह ब्रो द एनिमेशन लुक सो फ्रिकिंग गुड भाई। ओके मैजिक मंचोस करके ये कुछ खाने की चीज है। ओह इजंट दिस इज द वन जो अभी हम लोगों ने थंबनेल में देखा था, वो कुछ इसी तरीके का दिख रहा था ना जोकर। ओके सीरियल है मैजिक मंचोस जो दूध में डाल के खाया जाता है। इसमें प्राइज भी निकल सकता है, लाइक कुछ कुछ लोगों को ना इसके अंदर प्राइज मिलेगा। ओ ये निकला उसके अंदर। तीनों निकल गए भाई। ओ ओह डैम ब्रो Oh my God, एक चीज तो मेरे को बोल लिया बिफोर एनीथिंग कि भाई इसका एनिमेशन कितना प्यारा है। Damn, okay. भाई उसकी हालत खराब हो गई है, पी करने वाली हालत हो गई है इसकी। Oh my God, what the? मैं थोड़ा इधर देख रहा था, मैं चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, इतना तेज आवाज आई। ओ डैम भाई, एक तो सारे इस तरीके के जोकर टाइप के कैरेक्टर्स ना क्रीपी ही लगते हैं। This looks so good, bro. Oh, what? Oh my! Oh my, bro, what the? ये तो एक्चुअली में फुल मूवी क्वालिटी लग रही है यार। ये वही है जो सीरियल के अंदर हमें अलग अलग कलर के वो मिलते हैं ना, वो ये एग्जैक्टली वही है। ओ माय सीटी बजाने वाला द बेसिक हॉरर चीज। आई एम कमिंग फॉर यू। ओ भाई घूमना बंद कर, घूमना मेरे को चक्कर आ रही है। ओ ब्रो व्हाट, मैं दोबारा से बिल्कुल कभी भी अपनी लाइफ में सीरियल की तरफ देखूंगा ही नहीं। मैं सीरियल खाना छोड़ दूंगा, सीरियल सबसे खराब चीज है जो मैंने देखा है अभी इस वीडियो में। उसके बाद ओ ये सब इसके डैम ये है कुछ
बेस्ट चीज। व्हेन आई सेड कि मैं तुम्हें गोटेड वीडियोस दिखाने वाला हूँ, मैंने यही मीन किया था। द सेकंड एनिमेशन ने मेरा दिल खुश कर दिया। ये वीडियोस ना लेट रेट रिकॉर्ड करना सबसे बेस्ट होता है। लाइक तुम इसको हर वीक या हर मंथ रिकॉर्ड करोगे ना, तो इतने अच्छे अच्छे एनिमेशन नहीं मिलते हैं। इस पूरे एपिसोड में द बेस्ट ऑफ बेस्ट एनिमेशन है। क्या बेस्ट था ये वाला वीडियो, और इस तरीके से इसने इनको एनिमेट किया था। बट यार टू बी ऑनेस्ट, इसका स्टोरी वगैरह इतना अच्छा है कि एक्चुअली मैं इसके ऊपर एक हॉरर गेम बन सकता है। ये अच्छा है, पूरा वीडियो में ये दिखा भी रही है कि ये किस तरीके से एनिमेट हुआ है। डैम इट वाज रियली गुड। मैं इस वाली वीडियो को रेट करूंगा 9 out of 10। मुझे इसका स्टोरी पसंद आया और जिस तरीके का एनिमेशन था, एनिमेशन इज 10 out of 10। आई थिंक मैंने जितने भी हॉरर एनिमेशन देखे हैं या एनिमेशन वीडियोज ही देखे हैं, उनमें से सबसे टॉप क्वालिटी एनिमेशन वीडियोज में से एक था ये। तुम लोग ये पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में हर एक एनिमेशन पे ना रेटिंग देना। मेरे को जानना है कि तुम लोग का क्या है, तुम लोग को कौन सा एनिमेशन अच्छा लगा। वो नाउ इट्स टाइम for the third animation. इसका नाम है हॉरर। ये 2016 में अपलोड हुआ था। एंड द थिंग इज दैट कि मैं ये एनिमेशन शायद से बहुत पहले देख चुका हूं, बट मुझे इसका स्टोरी बिल्कुल भी याद नहीं है। दैट्स द रीजन हम इसको रिविजिट करेंगे। आई जस्ट होप कि इस वीडियो में मेरे को कोई सा भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक ना आए। ये थाईलैंड या थाईलैंड, ये थाई भाषा है मेरे हिसाब से। ये वही बच्ची थी ना जो थंबनेल में थी। दिस, ये उसकी मदर है, ये बच्ची है। अचानक से बादल आ गए हैं इनके सिटी में। सारे लोग अपनी घर की तरफ भागते हुए, ये देखने के बाद सारे लोग डर गए। बादल जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर इस बच्ची ने बाहर निकल के झांका। पूरे ही सिटी में मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स थे। टाइटंस का अटैक हो गया था। ओके, ये स्टोरी देख रही थी अपने मोबाइल में। मैं बिन फालतू वो नरेटर बनने की कोशिश कर रहा था। इसका भी ये 2014 की वीडियो के हिसाब से इसका एनिमेशन कितना अच्छा है। ओ भाई यार, ये तो बहुत सुंदर लग रही है यार ये बच्ची। पहली बात तो रात में यार, अभी थोड़ी ना सोने जा रहे हो, तो बल्ब वगैरह को चालू कर लो, इतना डर लग रहा है तो। ओ उसकी मॉब तो गई। कुछ तो नीचे गलत चल रहा है भाई। पहले चिल्लाना चाहिए ना तेरे को, हेलो मॉम आर यू ओके। नहीं भाई, नीचे जाना है। ओ उसके डैड आए हैं, वो लड़ रहे हैं। What? भाई क्या ताकत थी, ऐसे करके फेंक दिया। ओह नो। What? मॉम डैड अपने आप मॉन्स्टर बदल गए और अभी फाइट कर रही है। मैं कह रहा था इतनी सुंदर मॉम है, इतना सुंदर डैड है, इतनी सुंदर बच्ची है, अभी तो ये मॉन्स्टर बन गए, ज़ॉम्बीज़ बन गए ये। बट स्टिल भाई उसके पापा ने फेंक दिया। What the frick? go run, just run. Oh my God.
ये भी चेंज हो गई उन्हीं जैसी। ओ पूरी फैमिली ही ऐसी है। वेरी बिग टंग दो भाई उसके मॉम की। यार ये थोड़ी सी डरावनी थी, इसमें तो मैं एक्चुअली में डर महसूस होता है, बट मेरे को ये पसंद आई। उसके नाम में ही हॉरर है। 2016 के हिसाब से एनिमेशन अच्छा है। सीजी मीटअप ने ही बनाई है जिसने ये वाला एनिमेशन बनाया था, लाइक दिस अनलकी चार्म्स वाला। तो इस चैनल का ना एनिमेशन तो हमेशा से ही टॉप रहा है। इस वीडियो को आई विल रेट 8 out of 10। So, हमारा नेक्स्ट एनिमेशन बहुत ज्यादा पुराना है एंड ये मैंने कभी देखा नहीं है। इस एनिमेशन का नाम है मेंटल और ये 8 साल पुराना है, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा पुराना। 2014 में डाला था। 2014 में मैंने यूट्यूब बहुत कम देखा था, लाइक उस टाइम पे मैं कितना 2014 में मैं शायद से 13-14 साल का होऊंगा शायद। लेट्स सी कि ये कैसा है। मेंटल से लग रहा है मेंटल हॉस्पिटल के हिसाब से होगा ये, क्योंकि इसका थंबनेल भी उसी जैसा था। Oh. Go crazy. Go stupid. Oh, what? ये मेंटल हॉस्पिटल है और इसमें सारे दिमाग से कमजोर लोग रहते हैं, बट ये तो कुछ ज्यादा ही लाइक अजीब बंदा है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा क्यों है भाई, वो बेचारा तड़प रहा है, मुझे इस पे हंसी आ रही है यार। ओके ओ ये इसको रूम में बंद कर दिया था, वो चिल्ला रहा था, ये नर्स आई कि चुप हो जा। ओ चुप हो भी गया बट रूट गया। चिल्लाने लगा दोबारा। ओके अब नर्स इसको पीट देगी। अरे भाई एक बार में हेडशॉट, जीभ निकाल दी उसकी। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे वो दोबारा वही। नो ब्रो नेक्स्ट डे दोबारा पिटेगा भाई। भाई यार ये नर्स तो हेडशॉट मार रही है उसके बार बार। इसका अच्छा द रीजन ये इतना परेशान था, इसका हाथ बंधा हुआ था, फाइनली अब इसके हाथ खुल गए हैं। ओके नर्स आई, क्या कर रहा है ये, बहुत अजीब गंदा साउंड कर रहा है भाई अभी तो ये जो ऐसे। ओ व्हाट जो मैं सोच रहा हूं डॉन से ये वो चीज है। दोबारा हेडशॉट पड़ा। ओ नो दोबारा उसका हाथ बांध दिए, खोल लेगा लेकिन ये। ओ इस बार मुक्का मार दिया भाई उसके पहन के। ओके हर दिन पिटता है ये, हर दिन खोलने की कोशिश करता है, हर दिन आती है वो पीट देती है इसको। डैम Oh my God! Headshot. Damn! कितना मारे कि डंडा ही टूट गया उसके मार मार के। अब क्या होगा?
टाइम बदल गया। अ व्हाट? ओ गुड मॉर्निंग फ्लावर। कितना अजीब फूल है ये। मक्खी आई। ओ माय गॉड, मेरा दिमाग। ओके, ओ भाई इस बार तो वो अखबार पढ़ रहा है। सही हो गया पूरा। सब क्रीपी हो गया भाई बहुत। वो देख रही है आखिर गड़बड़ क्या है। ये चिल्ला क्यों नहीं रहा है? इतना शांत क्यों बैठा है? ओ ओके, वेरी वियर्ड एनिमेशन। लेकिन हाँ, ये लग भी रहा था कि ये 2014 का है। मतलब बहुत पुराना एनिमेशन है, लेकिन 2014 पे अगर हम इसको देखते ना तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता। हमारे पास एक और 14 साल पुराना एनिमेशन है। ये इतना पुराना है कि तुम में से काफी लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उनकी उम्र भी 14 साल नहीं हुई होगी। ये 2008 में अपलोड हुआ था ये वीडियो। एंड इस वीडियो का नाम है ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच। ग्रीड, अ शॉर्ट फिल्म बाय अली। वॉशरूम, ये वीडियो मैंने देखा है। ये वीडियो मैंने देखा है। इसको पिंपल आएंगे। यस, ये मैंने छोटे में ये वीडियो देखा है। इसको जितना ये पिंपल फोड़ेगा उतना पैसा आएगा इसको। ये देखो, ये जितना अपने आप को दर्द देगा ना उतना ज्यादा पैसा आएगा इसके पास। अब उसके पास एक बड़ा पिंपल आ गया उसके शरीर पे, एंड उससे सारा पैसा चला गया। Oh damn! तो तीन बटन है भाई, तीनों से अलग अलग चीजें होती है। सो ये जो था ना, इससे पैसा आ रहा था नाक के पास है, उससे इसका एज बढ़ रहा था, ठीक है। एंड मतलब और भी बॉडी में चेंजेस हो रहे थे। एंड जो उधर है ये आई वॉल पे, ये उससे सब रीसेट हो जाएगा, सब पहले जैसा वापस। ओके, कर लिया रीसेट इसने। ओ बट इसका हाइट वगैरह नहीं चेंज हुआ। ओ हो गया तुम्हारे जैसा वापस। फोड़ दिया साइज से उसने अपना पूरा। अच्छा था ये एनिमेशन, बहुत अच्छा है। इसका ना मीनिंग है बहुत ज्यादा, कि तुम्हें लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए ऐसे करके। बट यार 2000, ये वीडियो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, ये वीडियो मैं दोबारा देख रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो ना मैंने बहुत पहले देखा था। मैं बच्चों जैसे क्यों साउंड कर रहा हूँ इतना खुश होके? ये वीडियो मैंने बहुत पहले देखा था। बट हाँ, एक्चुअली जब ये नाम सुना ना, लाइक जब मैंने ये थंबनेल देखा था, मतलब यार ये मैंने कहीं पे देखा है, बट मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था। मैं इस एनिमेशन को दूंगा लाइक 6 out of 10। द एनिमेशन इज गुड, मैसेज इज गुड, बट स्टिल लाइक उस हिसाब से मैं 6 out of 10 दूंगा इसको। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट एनिमेशन, एंड इस एनिमेशन का नाम है लुक एट मी ओनली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म। ये 2020 में अपलोड हुआ है, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमेशन है जो कि लाइक लास्ट कुछ इयर्स में अपलोड हुआ है। एंड मैंने अभी तक ये देखा नहीं है, लेट्स सी कि इसमें क्या है।
ओ इसका वैसा एनिमेशन स्टाइल है जैसा हम अभी मैंने डकार ली थी। मैंने ये एनिमेशन स्टाइल डोंट हग मी आई एम स्कैर्ड में देखा था, उसका भी वीडियो एडिट हो रहा है, तो या उसी जैसा है। वो बहुत क्रीपी एनिमेशन था, तो मुझे समझ में आ रहा है इसमें क्या होगा। पहले सारी चीजें बहुत नॉर्मल होंगी और फिर बहुत क्रीपी हो जाएगा सब कुछ। ओ हेलो ब्यूटीफुल है, ओके लुक एट मी ओनली, ओके मैं आपकी तरफ ही देखूंगा। चूहा है ये, क्या है ये, खरगोश की चूहा। वो खा लिया उसने बेचारे ने, छोटा सा फूल खा लिया। व्हाट ओ वो इस लड़की के साथ डेट पे आया है लेकिन दूसरे की तरफ देख रहा है, ये गलत बात है भाई। ये जैपनीज स्टाइल है। ओ कपड़े देख रहे हैं ये लोग यार, पता जापान में ये चीज तो है, ऑफर बहुत चलते हैं, डिस्काउंट बहुत चलता है कपड़ों पे। बट ये है क्या, ये जानवर चूहा है कि क्या है। ओ अब वो इस चूहे के साथ खेलने लगा इसलिए गुस्सा हो गई है। मैं ओ व्हाट ये सांप है क्या? इसका मन उस लड़की के ऊपर है भाई। ए वो कहाँ गया इसका पेट? हेलो क्यूटी उधर मत जा भाई। ओ इसको इस लड़की से प्यार हो रखा है जबकि डेट दूसरे के साथ आया है, गलत तो हो रहा ही होगा भाई। ओ नाइस वो ऑलरेडी सपने देखने लगा है इसके साथ। ओह नो अब मुझे वो दूसरी वाली लड़की के लिए बुरा फील हो रहा है क्योंकि वो भी तो भाई इसके साथ आई है, उसके साथ ऐसा करना इज नॉट ओके। दिल गार्डन गार्डन हो गया इन रियल लाइफ, कुछ इस तरीके का दिखता है। ओ इसने इसको वही मतलब गिफ्ट कर दिया जो दूसरी लड़की पहनी थी, वो भी ऐसा ही तो अपने गले में पहनी थी। डोंट से अभी मेरे को दोबारा से जंप स्केयर आएगा। ओ वो इसी को वो कर रहा है, प्यार कर रहा है ना। देखो इसने इस लड़की को भी वही नेकलेस दिया है जो उसको दिया था। भाई मेरे को अब लड़का बुरा लग रहा है, लड़का गलत है। ओ माय गॉड कौन जम्मा ओ नो ओ नो, खून निकाल दिया भाई लड़की के।
सांप बन गई भाई वो लड़की। यस वो नेकलेस देखो वो पहने है ना। जो भी वो सपने देख रहा था वो ऑलरेडी उसने इस लड़की के साथ कर रखे है। अगर ये खोलेगा आई नो ये मर जाएगा। व्हाट अभी क्या होगा? ओके नया फूल आ गया। काफी काफी अजीब एनिमेशन था ये। काफी मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई बट हाँ अभी मेरे को समझ में आया इस एनिमेशन का मतलब क्या था। तो ये जो वो निकल रहे थे ना मतलब कि वो फूल निकल रहे थे विच मीन्स कि प्यार बढ़ रहा है। तो इनके बीच में ना प्यार पूरा खत्म सा हो गया था। फिर बाद में इनको रियलाइजेशन होता है कि भाई ये तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तब वो एक और फूल निकल आता है। भाई लोग ना काफी मेहनत से काफी दिमाग लगा के ये एनिमेशन बनाते हैं बट स्टिल आई रेट इट लाइक 6 out of 10। मैंने जितने भी एनिमेशन देखे वो लकी चांस वाला मेरा फेवरेट था। लाइक जो लकी चांस था ना वो पूरा एनिमेशन स्टाइल अच्छा था प्लस उसका स्टोरी एंड बहुत अच्छा लगा मेरे को। बट यस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इफ तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वेरी क्लोज टू 6 million सब्सक्राइबर्स एंड मेरे को अभी 10 million सब्सक्राइबर्स काफी जल्दी करने। आई वॉन्ट दैट डायमंड प्ले बटन मेरे यहाँ पर। तो यस सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। फॉलो माई इंस्टाग्राम चेक माई ट्विटर। बाय बाय टेक केयर एंजॉय करो एग्जाम अच्छे से देना। See you.